देखिए ये कार्बेटर जो देख रहे हैं बटरफ्लाई वाला कार्बेटर है, और जब भी हम एक्सेलेटर यूज करते हैं तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। इस जगह ये स्प्रिंग देख सकते हैं गाइस, तो ये स्प्रिंग जो है टूट गया है, आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग टूट गया है। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैंने ये चीज़ खोल दिया जो आपको दिखा नहीं सका। ये देखिए ये फिर काम कर रहा है, ये जंप जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये स्प्रिंग टूट गया है, तो फाइनली स्प्रिंग तो आपको अलग से मिलेगा नहीं ये वाला, तो कुछ जुगाड़ करना है हमें, इसे सही करना है। तो इसे सही करने के लिए इसे बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे जो है हम प्लास के ज़रिए से अगर सेटिंग करना चाहें तो ये नहीं हो पाती है। तो इसे हमें बाहर की ओर निकालना है, तो इससे पहले आप जो है चौक निकाल लें इस जगह से। ये जो चौक देख रहे हैं ये चौक जो है आप निकाल लें 13 नंबर या फिर 14 नंबर चाबी से। चौक निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये स्लाइड ये जो देख रहे हैं ये गेट यानी कि पत्ती जो देख रहे हैं ये इस तरीके से अंदर लगा हुआ होता है। ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना उसी के अंदर ये घुसा हुआ होता है। आपको दोनों स्क्रू खोल लेना है, ये दो स्क्रू खोलने के बाद जो है बाहर की ओर इसे खींच लेना है। आप आराम से खींचें, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। ये बाहर की ओर निकाल लेना है, अब उसके बाद आपको ये ढक्कन खोलना है। तो ये ढक्कन भी हमने खोल दिया है, ये देखिए थोड़ा बस ये ऐसे ही पड़ा रहता है और थोड़ा सा जाम रहता है, तो आप पेचकश के ज़रिए से इस तरीके से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा या फिर ठोक कर निकाल दें। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक लॉक होता है, ये देखिए इस लॉक को निकालेंगे, चीरा पिन को निकालेंगे, तभी आप उस स्लाइड को इसे जो है बाहर खींच पाएंगे। तो इसे बाहर निकाल दिया, अब हमें स्प्रिंग निकाल लेना है। तो ये देखिए स्प्रिंग जो है इस तरीके से काम करता है, और हमें स्प्रिंग का जो नॉक बनाना है, ये लॉक जो हम बनाएंगे यहाँ का बनाएंगे, इसका लॉक बनाना है हमें, इस वाले का, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से ये जो है मुझे इधर से टेढ़ा करना पड़ेगा, देख प्लास एक और, तो देखते हैं चेक करके ये काम करेगा या नहीं। अब ये काम कर जाएगा, beep।
तो ये देखिए ठीक हो चुका है। अब हमें इसे लगा देना है। थोड़ा देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है कि ये पार्ट जो है थोड़ा घिस गया है। मैं और भी इसको बराबर कर लेता हूँ हल्का, ये थोड़ा सा जो है रूखापन ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद में लगा दूँगा। तो ये पतला पेपर हमने लिया है, स्लेस पेपर, इससे थोड़ा घिस देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए एक्सीलेटर अच्छे तरीके से काम करने लगा है। पहले ये छोड़, ये जंप नहीं कर रहा था छोड़। ये एक्सीलेटर खींचने के बाद आपको पता ही है कि वापस रिटर्न होना चाहिए।